दोस्तों, ये इंटरव्यू स्टार्ट करने से पहले कुछ इन्फॉर्मेशन जो है मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। दोस्तों, इस तरह के इंटरव्यू सीरीज़ के वीडियो इसलिए मैं अपलोड कर रहा हूँ मेरी चैनल पे, क्योंकि जो भी नए लोग हैं इस फील्ड में आना चाहते हैं उनको सही इन्फॉर्मेशन मिल पाए। क्योंकि आजकल जो है एनिमेशन, VFX या ग्राफिक रिलेटेड जो हमारे फील्ड है उसके बारे में काफ़ी सारी नेगेटिव जो है बातें चलती रहती है, तो लोगों को लगता है कि भाई ये फील्ड में जो है थोड़ा रिस्की हो सकता है। तो इसी वजह से मैं जो है जो आर्टिस्ट इस फील्ड में अच्छे से आगे बढ़ रहे हैं, अच्छे से ग्रो कर रहे हैं, उन लोगों के इंटरव्यूज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। और कुछ मैंने इंटरव्यूज़ रिकॉर्ड किए हुए भी है, अगर वो आप देखना चाहते हो तो यहाँ पे आई बटन पे मैं आपको वो सारे वीडियोज़ की लिंक दे रहा हूँ, तो प्लीज़ वो भी आप देख लीजिए। तो इस तरह के इंटरव्यूज़ से फ़ायदा ये मिलेगा कि सबसे पहले तो पॉजिटिव थोड़ा एनवायरनमेंट बनेगा हमारा, कि भी काफ़ी सारे लोग हैं वो ये कोर्स करके अपना करियर सेट कर रहे हैं और या फिर कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों तरह के आर्टिस्ट के इंटरव्यू में लाऊंगा, जो लोग अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, मतलब 2-3 साल हुए हैं, जो लोग 5-6 साल से 8 साल से इस फील्ड में काम करें ऐसे भी आर्टिस्ट के इंटरव्यू आएंगे, जिससे आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी पे हम अपना करियर कैसे ग्रो करें। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, तो प्लीज़ आप अच्छे से वीडियो देखिए, अपनी कॉमेंट्स मुझे बताइए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। तो आज जो हमारे साथ है वो है एक 3D मॉडलर और काफ़ी समय से काम कर रहे हैं, तो हम आगे उनसे मिलेंगे और उनसे काफ़ी सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखिए। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौरव भट्टर, आप सबके स्वागत है AnimFX यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हमारे साथ है 3D मॉडलिंग आर्टिस्ट और काफ़ी सालों से तो इस फील्ड में अपना हुनर दिखा रहे हैं, तो आज हम उनसे करेंगे कुछ सवाल जो इनसे हमको जानने को मिलेगा कि ये कैसे आगे बढ़े और क्या क्या उनको दिक्कतें आई और इन फ्यूचर उनका क्या प्लान है और कितना अर्निंग करते हैं वगैरह, ये चीज़ें जो आप जानना चाहोगे जब आप अपना करियर आगे बढ़ा रहे हो। तो दोस्तों, ये वीडियो आप अंत तक जरूर देखिए, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है जो आपको यहाँ पर मिलने वाली है, तो चलिए आगे हम देखते हैं। तो रमेश जी, आपका स्वागत है हमारे इस इंटरव्यू सीरीज के वीडियोस में। यहाँ पे मैं जो है आर्टिस्ट, जो भी आपकी तरह एक्सपीरियंस आर्टिस्ट है उनके इंटरव्यूज लेता हूँ, तो आपने समय निकाला और यहाँ पे हमारे साथ ये वीडियो के लिए आए, तो आपका बहुत बहुत थैंक यू। तो रमेश जी, आपसे पहला क्वेश्चन है कि इस फील्ड में आने का आपने कैसे सोचा, मतलब क्या इंस्पिरेशन मिली, कहाँ से इंफॉर्मेशन मिली, आपको क्यों लगा कि मुझे इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहिए? बचपन से मैं कार्टून वगैरह देखता था और मेरा भी मन था कि मैं इसी फील्ड में रहूं, मगर क्या है कि मैं एक छोटे से गांव से आ रहा हूं, तो फिर वहां पर ये सब बता पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि माता पिता भी अभी इतना सपोर्ट नहीं देते गांव में कि ये कार्टून वगैरह वहाँ क्या है, और मुझे काफ़ी परेशानी हुई। मैं ग्रेजुएशन किया, उसके बाद मैं इस इंडस्ट्री में शामिल हुआ। तो आपकी बात सही है, क्योंकि गाँव के लोग है और बल्कि अभी तो सिटी में भी जो अभी इंडियन मेंटालिटी है उसके हिसाब से थोड़ा फैमिली मेंबर्स को समझाना ये थोड़ा डिफिकल्ट काम है। समझाना बहुत डिफिकल्ट होता है। बट अभी धीरे धीरे अवेयर हो रहे हैं लोग, तो फील्ड में अभी लोग अच्छे से आगे बढ़ पा रहे। आपने कोर्स कहाँ से किया ये? मैंने अहमदाबाद से किया है, आर्टिशन करके एकेडमी में से, वहाँ पर मेरा PGDM था। Okay. जो 3D मॉडल्स वगैरह, एनिमेशन वगैरह में था। ओके okay. और उस समय मतलब कौन से टाइम में किया और तभी सैलरी पैकेज क्या रहता था तभी का? मैंने इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था 2010 में okay. और 2012 में ख़त्म हुआ था mm-hmm. और तब मेरा पहला इंटरव्यू हुआ था mm-hmm. इंटरव्यू की बात काफ़ी रोमांचक रहेगी, क्योंकि mm-hmm. मेरा इंटरव्यू मैंने सोचा भी नहीं था और अचानक से हो गया था। तो आपको इंस्टीट्यूट वालों ने ही रेफरेंस दिया जॉब के लिए या फिर कोई यार दोस्तों से या फिर कोई जॉब प्रोवाइडिंग वेबसाइट होती वहाँ पर से? हाँ, मेरा इंटरव्यू असल में इंस्टीट्यूट की ओर से नहीं था। मेरी एक साथ में ही मेरी सीनियर थी, उनका स्टडी ख़त्म हो गया था और वो इंटरव्यू दे रही थी, तो उनका इंटरव्यू हो गया था, मगर उनका मैरिज भी आने वाला था Okay. तो फिर उन्होंने मना कर दिया, तो उन्होंने रेफरेंस के नाम पर मुझे दे दिया जी। तो उस तरह से मेरा नाम वहाँ पर कंपनी वाले को पता चला और उन्होंने इंटरव्यू लिया okay. और इंटरव्यू भी मतलब ऐसे नहीं कि कोई ऑफिस वगैरह, मुझे
सीसीडी में बुलाया गया था इंटरव्यू के लिए। तो आपका ये पहला इंटरव्यू था और क्या एक्सपीरियंस रहा, थोड़ा हमारे साथ शेयर कीजिए कि भाई पहली बार इंटरव्यू देते हैं तो थोड़ा मन में भी डर रहता है क्या पूछेंगे क्या होगा। हाँ, मेरा भी पहला इंटरव्यू था और वो भी बिना किसी तैयारी के इंटरव्यू हो गया था। मतलब कि अगर हम किसी इंटरव्यू की तैयारी करके भी जाएंगे ना तो भी आपको डर रहेगा कि क्या होगा, पता नहीं क्या पूछेंगे। तो मेरा तो कुछ ऐसा था ही नहीं कि मैं क्या सोचूं। सीवी वगैरह भी कुछ तैयार नहीं था, पोर्टफोलियो भी तैयार नहीं था। मगर हाँ, मैं बचपन से स्केच करता था तो बस वही स्केचेस मैंने दिखाए थे और उन्हों को ये अच्छा लगा कि मेरा स्केचिंग में अच्छा है। और मैं वैसे भी कोर्स कर रहा था और तो मेरा रेफरेंस भी मिला था, तो इस हिसाब से उन्हें अच्छा लगा तो उन्होंने डायरेक्टली मुझे हाँ कर दी। तो अच्छी बात है। मतलब आपका तभी कोर्स खत्म हो गया था या फिर अभी कोर्स कंटिन्यू था, मतलब इस तरह से सडनली आपने बोला इंटरव्यू हुआ तो। हाँ, मेरा कोर्स थोड़ा सा बाकी था, 2-3 महीने का बाकी था आफ्टर इफेक्ट्स। और वो सोचा कि चलो अगर इंटरव्यू सामने से ही आया है तो कोई बात नहीं, वो बाद में कभी सीख लूँगा। तो फिर इस तरह से मैंने डायरेक्ट ही जॉब के लिए चला गया। क्योंकि इस फील्ड में जो है जॉब के लिए थोड़ा लोगों के मन में डर रहता है कि भाई किस तरह से जॉब मिलेगी कैसे मिलेगी, तो आपको अच्छा है कि सामने से जो है रिक्वायरमेंट आई और आपने जॉब ज्वाइन कर ली। तो जॉब ज्वाइन करने के बाद आपका वहाँ पे एक्सपीरियंस कैसा रहा, लोगों के साथ कैसे काम, क्या नई नई चीज़ें सीखने मिली, उसके कुछ एक्सपीरियंस के बारे में बताइए। मेरा जॉब शुरू हुआ था 2012 से और 11 फरवरी से, मतलब कि अरे आज 7 साल पूरे हुए हैं। ओके, बढ़िया है। उसी कंपनी में हूँ अभी भी। ओ क्या बात है, हाँ एक ही कंपनी में 7 साल निकाले हाँ सात आपने। साल जी, हो गए तो ये भी एक अच्छी क्योंकि बात हाँ, यहाँ पर एनवायरनमेंट अच्छा है और मुझे लगा था कि नहीं, यहीं पर ही अगर मुझे सब कुछ मिल रहा है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। मेरी स्टार्टिंग की सैलरी 7,500 थी, अभी 29 तक मैं पहुंच चुका हूँ। हाँ, ये 7 साल के हिसाब से कम लग रही है, मगर उसके हिसाब से मैंने मतलब बहुत सारे यहाँ पर बेनिफिट भी मिल रहे थे। तो मैंने सोचा कि चलो अगर यहीं पर अगर काम करना है, घर भी नज़दीक है, तो फिर कोई बात नहीं, सैलरी में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ चलता है। और ऐसा ज़रूर भी नहीं होता कि मतलब आपको अगर बोला गया है कि इतनी मिलेगी इतनी मिलेगी, मगर ऐसा कुछ नहीं है। आपके वर्क के ऊपर डिपेंड रहता है कि आपको कितनी सैलरी मिलेगी। ये जो आप बता रहे हो कि मुझे एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी है, तो कुछ कंपनी जो है प्रोवाइड, मतलब बेनिफिट्स में क्या आपको मिल रहा है अभी कंपनी की ओर से। हाँ, कंपनी की ओर से मतलब सबको ऐसा ज़रूरी नहीं कि सबको ये बेनिफिट मिले। मुझे मिल रहा था कि मुझे रहने के लिए वहाँ पर रूम मिल रहा था और लाइट बिल वगैरह का कुछ खर्चा नहीं था। हाँ, बस खाना वगैरह वो सब मेरे हिसाब से होता है, वो मुझ पर है सारा खर्च। जी, तो इस मतलब हिसाब से पैसे बचते हैं तो फिर हम मतलब सही है ये। मतलब कि कंपनी आपको रहने का वगैरह जो है हाँ प्लेस वगैरह आपको दिया है तो बढ़िया है, अच्छी बात है। तो उतना खर्चा आपको बच जाता हाँ, है। उस उतना खर्चा बच जाता और है। वैसे भी आप अगर मुंबई या पुणे जैसे बड़े स्टूडियो में अगर काम करने जाओगे तो अगर आपकी कोई फैमिली मेंबर्स वहाँ नहीं है तो रहने जाने रहने का हाँ, वो फिर वो काफ़ी सारा बड़ी खर्चा, दिक्कत है। हाँ खर्चा ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इस हिसाब से यहाँ पे आपको वो सारी हाँ, वो चीज़ें का सब बेनिफिट मिल रहा है, तो उतने पैसे पैसे बच रहे हैं हाँ, अभी उतने आपके। पैसे मतलब बच रहे हैं। सैलरी थोड़ी एवरेज है बट हाँ उसके हिसाब से आप जो है अपना सेविंग वगैरह हो सकता हाँ है हो सकता है। अपने ही सिटी में यहाँ पे रह के, और आपका घर हाँ, भी नज़दीक है नज़दीक है। तो चलो अच्छा है, बढ़िया है। तो अभी आपको अभी कौन कौन से सॉफ्टवेयर आते हैं और एज अ मॉडलिंग ही आपने क्यों चुना, क्योंकि एनिमेशन भी होता है, काफ़ी सारी चीज़ें होती है, हाँ, मतलब अपने फील्ड में VFX भी एक होता है पार्ट है सारा, तो इस सारी चीज़ों में से मतलब सॉफ्टवेयर पहले तो कौन से आते हैं और क्यों आपने मॉडलिंग ही ज़्यादा चुना। मुझे मैक्स, माया, और वो तो मैंने इंस्टीट्यूट में सीखा था, आफ्टर इफेक्ट्स, प्रीमियर वगैरह, फोटोशॉप। और फिर कंपनी ज्वाइन की तो वहाँ पर पहले माया में वर्क किया था, मेरा पहला ही मॉडल था एनिमल सेल्स। हाँ, और इस तरह का मॉडलिंग मैंने कभी किया नहीं था, मगर फिर भी धीरे धीरे सीखता गया उस तरह से। फिर क्या हुआ, हमें चेंज करना पड़ा ब्लेंडर, और पहले तो मुझे काफ़ी अजीब लगा था ब्लेंडर, क्योंकि मैंने नाम भी नहीं सुना था और काफ़ी
उसका व्यू पॉइंट वगैरह सब कुछ अनोखा लग रहा था। तो फिर मैंने पहले तो मना कर दिया, मगर फिर भी मैंने ट्राई किया और उस ट्राई में मुझे लग गया कि नहीं, ये कुछ अलग है। और उसमें मुझे ज़्यादा मॉडलिंग ही पसंद आने लगा। और मतलब आप अगर जो भी मतलब क्रिएट करना चाहते हैं, आपके दिमाग में जो भी है वो क्रिएट करना बिल्कुल आसान रहता है मॉडलिंग के हिसाब से। हाँ, मैंने एनिमेशन भी किया हुआ है, रिगिंग भी किया हुआ है, मगर मॉडलिंग मेरा बेस्ट है। तो फिर मैंने उसी में ही सबसे ज़्यादा ध्यान दिया। अच्छी बात है। अभी आप कौन कौन से टाइप के मॉडलिंग कर लेते हो, मतलब कि जॉब प्रोफाइल में आपको जो भी कुछ भी मिलता है वो सारा करते हो, या फिर स्पेसिफिक कोई मॉडल बनाने में आप एक्सपर्ट हो? हाँ, उसमें मतलब आपकी आप अगर जॉब कर रहे हैं तो मतलब जो भी आपको दिया गया है वो तो आपको करना ही है, मगर ज़्यादातर मैं कैरेक्टर कम रखता हूँ। हाँ, कैरेक्टर में कार्टून कैरेक्टर अच्छा लगता है और रियलिस्टिक से ज़्यादा। और इंटीरियर मॉडलिंग मुझे इतना ज़्यादा कुछ खास पसंद नहीं। हाँ, ऑर्गेनिक मॉडलिंग, प्रॉप मॉडलिंग, फिर हार्ड सरफेस मॉडलिंग, ये बेस्ट है। मतलब प्रॉप्स और ऑब्जेक्ट्स बनाने में आपकी हाँ, स्पेशलिटी है, तो ये बढ़िया बात है। और बाकी आपको कुछ एडवाइस देनी हो एज अ मॉडलर, कोई अपना करियर आगे बढ़ाना चाहते हैं इस पे, अपना इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपकी कुछ एडवाइस होगी? हाँ अगर आप मॉडलिंग में ही ज़्यादा जाना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। मतलब अगर आपको मॉडलिंग में ही ज़्यादा करना है वो आपको ऊपर है। अगर आपको रेफरेंस दिया गया है तो मॉडलिंग करना इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं लगता। मगर आपको डायरेक्टली कोई नाम दिया गया है या आपको फिर समझाया गया है कि ऐसे ऐसे मॉडलिंग करना है तो वो थोड़ा डिफिकल्ट रहता है। तो आप पहले ये देखिए कि आपको क्या बनाना है, आप उनके रेफरेंस सर्च करिए नेट पे, फिर आप अपने दिमाग में ये बनाए कि मैं कहाँ से शुरू करूँ, मतलब किस टाइप का आप मॉडल बना रहे हैं तो किस तरह से आपको अच्छा रहेगा कि वो जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए और अच्छा बने। थ्री डी मॉडलिंग और एनिमेशन अपने फील्ड के अलावा आपकी क्या क्या हॉबीज है, क्या नई चीज करना पसंद करते हो? मुझे स्टोरीज वगैरह पढ़ना अच्छा लगता है, फिर कुकिंग, मूवीज़ देखना बहुत अच्छा लगता है, वीडियो गेम्स वगैरह, और हाँ साइंस भी। और हाँ, अगर साइंस की बात की जाए तो साइंस बहुत काम आता है मॉडलिंग के हिसाब से भी, क्योंकि साइंस में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें यूज़फुल लगती है। मतलब कि मॉडलिंग एक ऐसा पार्ट है कि वहाँ पे आपका ऑब्जर्वेशन, हाँ, ऑब्जर्वेशन होना ही चाहिए। विजुअलाइजेशन, इन सारी चीज़ों की मतलब ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, कि वो इजी रहेगा, फिर आपको हाँ माइंड में विजुअलाइज अच्छे से कर हाँ पाओगे, तो फिर मॉडल बनाने, तो हॉबी के हिसाब से भी आपको उसमें बेनिफिट मिल रहा होगा हाँ आपकी जॉब प्रोफाइल के लिए। और मेरे सर भी थे, वो भी यही कहते थे कि आप ऑब्जर्व करो, आप जो भी ऑब्जर्व करोगे ना वो आपको यूज़फुल होगा बहुत भी। वो कभी ये नहीं कहते थे कि आप मूवी मत देखो, ये मत देखो, वो मत देखो, मतलब वो कहते ही थे कि आप देखो बस, क्योंकि आपने अगर देखा होगा तभी तो आप उसके बारे में सोच पाओगे। हाँ, वो अभी कुछ फ्रेशर्स होते हैं, मतलब कि अभी सीखना ही स्टार्ट किए, कुछ एक आध दो सॉफ्टवेयर सीखे, वो मुझसे एक क्वेश्चन करते हैं कि भाई हमें क्रिएटिविटी कैसे बढ़ानी है अपनी, तो मैं भी वही कहता हूँ कि आप पहले ऑब्जर्व कीजिए, चार पांच रेफरेंसेस लीजिए, कॉपी टू कॉपी वो बनाइए, और छठा जो है आप खुद से बनाने की ट्राई करोगे तो कुछ नया बन पाएगा आपसे। हाँ, डायरेक्टली एक ऐसा है कि नहीं हो पाता है, चार पांच अगर कॉपी की है फिर एक जो है नया मॉडल आप कुछ बना सकते हो। हाँ, इसमें बहुत मेहनत लगती है। मतलब ऐसे ही नहीं कि आप तुरंत इसमें मास्टर हो जाए, आपको बहुत मेहनत करनी होती है। एक ही मॉडल का अगर आप रिपीट भी करेंगे ना तो भी उसमें कुछ ना कुछ तो फर्क रहेगा। मतलब आपको अगर कैरेक्टर मॉडलिंग करना है तो वो काफ़ी डिफिकल्ट होगा, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। एक ही मॉडल का आपको रिपीट रिपीट करते जाए या फिर एक से ज़्यादा अलग अलग तरीक़ों से ट्राई कीजिए, कि मतलब ऐसा नहीं कि मॉडलिंग इसी तरीके से होता है, आप उसे खुद अपनी तरीके से भी बना सकते हैं मॉडल को। ऐसा नहीं कि कोई अगर आपको इंस्टीट्यूट में सिखाते हैं कि नहीं पहले ऐसे करो ऐसे करो, नहीं ऐसा नहीं होता। आप जैसे किस तरह से उसे ऑब्जर्व करते हैं ना वो भी उसके ऊपर भी डिपेंड रहता है। मैं ऐसा कुछ नहीं हूँ कि ये मतलब ये फ्लो करो वो फ्लो करो, नहीं, मैं अपनी तरफ से मॉडल बनाता हूँ।
मतलब कि जहाँ से इजी पड़े वहाँ से हाँ आपको बनाना चाहिए, जहाँ से आपको लगता है यहाँ से स्टार्ट करे यहाँ से ख़त्म करे। हाँ जी बिल्कुल, मतलब कि वो रट्टा लगा के नहीं करना हाँ चाहिए। रट्टा। तो रमेश भाई, जैसे आपने बताया कि बचपन से ही आपको कार्टून देखना पसंद था, तो आपके का फेवरेट कार्टून्स कौन से हैं? मेरा फेवरेट कार्टून कैरेक्टर था डोनाल्ड डक, और फिर धीरे धीरे मैं बड़ा हुआ तो फिर एनिम देखना भी चालू कर दिया है, और मैं एनिम भी देखता हूँ। ओके, एनिम आपको आपको अच्छे अच्छा लगता है? लगते हाँ बहुत अच्छा है, वो कार्टून से ज़्यादा एनिम अच्छे हैं। हैं? ओके, कौन कौन से कौन देखे हैं से अभी तक आपने एनिम? मैंने नरूटो देखा है, वन पीस देखा है, स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन, फिर अटैक ऑन टाइटन, अटैक ऑन टाइटन्स, और एस्ट्रो बॉय, इनुयाशा, मतलब काफ़ी पुराने भी देखे हुए हैं, ओके, और उसमें मेरा सबसे फेवरेट है वन पीस और नरूटो। टाइम रहता है, फ्री टाइम रहता है, तब आप क्या करते हो? उसके लिए फ्रीलांस भी करता हूँ, कभी कभी कर ओके, लेता हूँ। फ्रेंड से वर्क आता है तो उसमें भी थोड़ा हाथ बटा देता हूँ, और फिर मेरा थोड़ा सा ड्रीम प्रोजेक्ट भी है ओके, जो मैं बीच में छोड़ दिया था। अभी मतलब रनिंग ही है, सॉरी बुक लिख रहा ओके, था, उसकी स्टोरी है ड्रैगन नाइट से जुड़ी हुई। मुझे ड्रैगन बहुत पसंद है, और जब मैंने एनिम देखना शुरू किया तभी उससे मैं काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर हुआ था, और उसी वजह से मैं ये बुक लिख रहा था। ओके, तो राइटिंग का भी आपको अच्छा खासा हाँ थोड़ा सा इंटरेस्ट है उसमें, ये अच्छी बात है। वो मॉडलिंग करके वहाँ पर रख देता हूँ, और तो फिर वहाँ से भी थोड़ी बार इनकम आ जाती है। मतलब आप अपने मॉडल्स को ऑनलाइन सेल कर हाँ रहे ऑनलाइन हो सेलिंग के टर्बो लिए। और स्क्विड हाँ पे, तो ये भी एक अच्छा जरिया है दोस्तों। अगर आप को भी कोई जॉब नहीं मिल रही या फिर कुछ फ्रीलांस नहीं मिल रहा है, तो आप खाली टाइम में अच्छे अच्छे मॉडल्स बनाइए, पहले जाइए टर्बो स्क्विड पे, देखिए कभी किस तरह के मॉडल्स वहाँ पे अभी अवेलेबल नहीं है, तो कुछ ऐसे यूनिक मॉडल बनाइए और वहाँ पे अपलोड कीजिए। हाँ वो काफी जरूर जो ज्यादा। है, हाँ, यूनिक जितने होंगे उतने ज़्यादा वो बिकेंगे, और ऐसा नहीं कि आपका एक बार मॉडल बिका तो बिक गया तो वो ख़त्म हो। एक मॉडल वो 10 बार भी बिक सकता है, 100 बार भी वो सेल हो सकता है, तो उससे रेवेन्यू जो है, एक मॉडल बनाने की जो मेहनत है वो तो वही रहने वाली है, बट वो जितनी बार ज़्यादा सेल होगा हाँ उतना उनकी उससे इनकम। अर्निंग आपको ज़्यादा होता रहेगा। तो ये भी एक अच्छा तरीका है आप अगर ऑनलाइन मॉडलिंग के स्किल से पैसे कमाना चाहते हो तो। रमेश जी, आपने काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन शेयर की हम लोगों से, और काफ़ी कुछ आई थिंक जो नए स्टूडेंट वगैरह है जो इस फील्ड में आना चाहते हैं उन लोगों को इन्फॉर्मेशन मिली होगी। और अगर आप कुछ हमारे सब्सक्राइबर को, जो लोग नए नए हैं इस फील्ड में आना चाहते हैं, उन लोगों को एडवाइस देना चाहो तो वो कैसे आगे बढ़े इस फील्ड में, तो उसके बारे में कुछ बताइए। अपने विजुलाइजेशन को हमेशा बढ़ाइए, आप कुछ भी देखिए और उसके बारे में सोचिए कि ये ऐसा होगा ऐसा होगा। खास करके मॉडलिंग में भी मैं वही कह रहा हूँ, एनिमेशन भी वही लागू होता है एनिमेशन में भी। अब बस कुछ देखिए और सोचिए कि ये किस तरह हो रहा है। ओके, मतलब कि हमें ऑब्जर्व करना है और हाँ उसको फिर ऑब्जर्वेशन। कैसे बनाएगी वो सोच के उसको बनाना है। ओके, तो ये काफ़ी बेसिक चीज़ है बट बहुत महत्वपूर्ण बात कही है रमेश जी ने, जिस पे हमें फोकस करना चाहिए, और अगर वो आप अपने प्रैक्टिस में लाओगे तो ज़रूर इस फील्ड में जल्द से जल्द आगे बढ़ पाओगे। तो दोस्तों, इसी तरह के वीडियोज़ हम इस चैनल पर लाते रहते हैं, तो अगर आपको ये वीडियो काम का लगा है तो सबसे पहले तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए, क्योंकि रमेश भाई ने हमारे लिए काफ़ी अच्छा जो है टाइम स्पेंड किया है इस इंटरव्यू के लिए, और आपके साथ उनका एक्सपीरियंस भी उन्होंने शेयर किया है, तो एक लाइक तो बनता ही है, और वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए और लोगों के साथ, जिससे उनको भी इस तरह की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। और दोस्तों, इस तरह के वीडियो के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए हमारी चैनल को, जिससे आपको जब भी कोई नया वीडियो डालू आपको मिल जाए, तो नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लीजिएगा। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही, और अगर आप कुछ और भी कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। रमेश जी है वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इन्होंने भी भाई एनिमल इफेक्ट्स को सब्सक्राइब किया हुआ है और काफ़ी एक्टिव है, मेन बात यह है काफ़ी एक्टिव है, हर एक वीडियो में उनका एक कॉमेंट रहता है, तो आप भी अगर कुछ उनसे कन्वर्जेशन करना चाहते हो तो ज़रूर आपको वो रिप्लाई भी देंगे, तो आप कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, तो आपको हेल्प जरूर मिलेगी। तो दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं, बाय बाय।